नमस्कार दोस्तों, आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहे। मैं आपका दोस्त और डेंटल सर्जन डॉक्टर गौरव गुप्ता। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को रूट कैनाल उपचार के कुछ फायदों के बारे में जानकारी दूंगा, जिसके लिए ज्यादातर लोग जागरूक नहीं होते हैं। यदि आप लोग नियमित रूप से डेंटल चेकअप के लिए जाते हैं तो अर्ली स्टेज में ही आपको आपकी समस्या का पता चल सकता है और उस समय फिलिंग और सफाई जैसे कुछ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट से उन समस्याओं का समाधान तभी की तभी वहीं की वहीं किया जा सकता है। लेकिन जब आपका दांत ज्यादा खराब हो जाता है तो आपको काफी पेन सहन करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग अर्ली स्टेज पर इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं और बहुत ज्यादा दर्द होने पर ही अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं। और ज्यादातर जब बहुत दर्द में आप अपने डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं और वो आपको बताता है कि आपका दांत काफी ज्यादा खराब हो चुका है, अंदर तक सड़ चुका है और अब तो हमें इसको निकालना पड़ेगा या रूट कनाल इलाज से ही इसको ठीक कर सकते हैं, उस समय पहली चीज जो आप लोगों के दिमाग में आती है वो ये होती है कि मैं इस दांत को निकलवा दूं और दर्द से छुटकारा पाऊं। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर रूट कनाल उपचार से उस खराब दांत को बचाया जा सकता है तो आप यह निर्णय अपने डेंटिस्ट को ही लेने दें। आखिर दांत निकालना तो आखिरी उपाय है। जब किसी भी सूरत में वो दांत नहीं बच सकता होगा तो आपका डेंटिस्ट अपने आप आपको यह सलाह दे देगा कि हमें दांत निकलवा देना चाहिए। आइए आपको रूट कैनाल उपचार के कुछ फायदों के बारे में बताते हैं, ताकि आप ये तय कर सकें कि आपको अपने उस खराब दांत को बचाना चाहिए या उसको निकलवा देना चाहिए। रूट कैनाल उपचार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके साथ वाले दांत में इन्फेक्शन होने से बचाता है और इस तरह आपके मुंह के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। आज की तारीख में आधुनिक इलाजों द्वारा रूट कैनाल करने से सक्सेस रेट 100% हो चुकी है और रूट कैनाल उपचार पूरा होने के बाद आपका दांत प्राकृतिक रूप से वैसा ही दिखता है और काम भी वैसे ही करता है। मगर अगर आप इस दांत को निकलवा देते हैं तो आपको नया दांत लगवाने की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, सिरदर्दी झेलनी पड़ती है। और यदि आप उस जगह पे दांत नहीं लगवाते हैं तो जबड़े का वो हिस्सा जहां से दांत निकाला गया है वहां की हड्डी बैठना चालू हो जाती है और हमारा जबड़ा कमजोर हो जाता है, हमारे खाना चबाने की क्षमता कम होने लगती है। तो अगर हमें अपने दांतों की अखंडता बनाए रखनी है, दांतों की शक्ति बनाए रखनी है, खाना चबाने की क्षमता अच्छी रखनी है तो हमें अपने दांत को बचाना चाहिए। इससे हमारा ओवरऑल स्वास्थ्य और दांतों का स्वास्थ्य बना रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी उपयोगी रहेगा और कभी भी दांत निकलवाने से पहले आप एक बार जरूर सोचेंगे। अलविदा दोस्तों, अपना खूब अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद।